दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम CUET इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसके अंदर 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही बहुत अच्छी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर 100 से भी ज्यादा कॉलेजों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हालांकि अगर भारत की बात की जाए, भारत के अंदर जितनी ज्यादा अच्छाई होती है उससे भी ज्यादा बुराइयां देखी जाती है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है CUET एंट्रेंस एग्जाम के प्लेटफॉर्म के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है जहाँ पे हम एडमिशन लेना चाहते हैं। आखिरकार पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि मेन इम्पोर्टेंट हमारा फोकस है कॉलेजों में एडमिशन लेना। हर बच्चा ये चाहता है कि हम एक अच्छे से अच्छा कॉलेज डिजर्व करें। अगर आपको पता चले कि आप जिस कॉलेज में 50,000-60,000 फीस दे रहे हैं और उस कॉलेज के अंदर जो है डिपार्टमेंट ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, लैब ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं कराया जा रहा है, तो क्या आपके CUET देने का मतलब निकलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर बात करें CUET एग्जामिनेशन की, 15 लाख बच्चे से भी ज्यादा बच्चे UG के लिए अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे PG के लिए CUET में अप्लाई करेंगे। कॉलेजों की अगर बात की जाए, UG एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट 120 कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां और जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने भागीदारी ली है। इसके साथ ही इसके अंदर स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। टोटल जो कॉलेजेज है UG वाले बच्चों के लिए वो 120 के आसपास देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटियां लगातार एड होती रहेगी। ये है CUET का प्रोसेस। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, CUET के अंदर रजिस्टर्ड ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट तक नहीं बने हुए हैं, या फिर यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को डिग्री देने के लिए 3 साल की डिग्री के लिए 6 साल तक का टाइम लगा देती है। इसके साथ ही बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर टीचर जो है लेक्चर बेसिस पे काम कर रहे हैं, या फिर टीचर है ही नहीं, या फिर डिपार्टमेंट ही नहीं बने हुए हैं। आखिरकार आपको कैसे पता चलेगा? हालांकि अगर कुछ कॉलेजों की बात की जाए, जैसे कि जो टॉपर कॉलेजेज है जैसे DU, जामिया, BHU, अलीगढ़ एंड मैनी कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफी अच्छे रूप से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेज या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज CUET में सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे अप्लाई करते हैं ताकि उनकी मार्केटिंग बढ़े या फिर बच्चों का ट्रस्ट बढ़े क्योंकि ये कॉलेजेज CUET में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कॉलेजेज अच्छे ही होंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि JEE मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और जो है CUET जैसे एग्जाम के अंदर अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो जो है वहाँ पे भी आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने के लिए। एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों का डेटा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोट ऑफ कॉलेजों में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बाउंडिंग को लगा दिया गया है। बच्चे सिर्फ ऑलमोस्ट 10 से 11 सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग अलग चार्जेज CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने लगाए बच्चों के। तो प्राइवेट कॉलेजों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर बच्चों की डिटेल लेके प्रमोशनल मैसेजेस करना सेंड कर दिया था, जिससे जो अपने कॉलेजों की मार्केटिंग कर सके और बहुत सारी बच्चों तक कॉलेजों को पहुँचा सके। बाकी अगर आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज कौन सा कॉलेज 3 साल की डिग्री 6 साल में प्रोवाइड कर रहा है, किस कॉलेज के पास कितने बच्चे पढ़ते हैं, या फिर टीचर प्रोफेसर HOD डिपार्टमेंट है कि नहीं है, आखिरकार ये जो है ROI होता क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, प्लेसमेंट कंपनीज आती है कि नहीं, बहुत सारे कॉलेज जैसे भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो उनको जानता तक नहीं है, कॉलेजों की वेबसाइट पर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूट करता है, गूगल रिक्रूट करता है, बहुत सारे कॉलेजेस MBA की डिग्री देते हैं लेकिन बच्चों को MBA का डेफिनेशन तक नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको देखने को मिल सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों के। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी कॉलेज जानकार की कॉलेज रिव्यू सीरीज स्पेशली CUET की आप लोग जरूर से चेकआउट कर सकते हो। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक हम सारे कॉलेजों की डिटेल 0 to 100 तक आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खूब बढ़ते रहो।
CUET के फॉर्म आप लोग जरूर से अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है अगर आप अपनी ब्रांच को स्विच करना चाहते हो। स्पेशली बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस से पढ़ते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए फाइनेंशियल मार्केट इंडिया के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो लीगल डिपार्टमेंट है, एडवोकेट का जो डिपार्टमेंट है, वो भी बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन AI टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आप लोग जो है ट्रेंडिंग कोर्सेस कर सकते हैं। ऐसे बेस्ट कोर्सेस के लिए आप हमारी टीम या फिर एक्सपर्ट काउंसलर से जरूर से चेकआउट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।